Hello viewers, subscribe my channel, like and share my videos. भारी तली की कढ़ाई में एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, बारीक कटे हुए अदरक एक छोटा चम्मच, ये हल्दी है फ्रेश हल्दी इसे डालेंगे कुछ पीसेस, और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये लहसुन ग्रीन, आप चाहें तो स्किप करें अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो। आज अरिहंत की रसोई 100% वेज कुछ विंटर स्पेशल रेसिपीज लेके आई है आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये हरी मटर है विंटर स्पेशल ग्रीन मटर, ये मैंने लगभग आधा किलो मटर छील ली है, धो ली है अच्छी तरीके से। डाल दिए, भारी तली की कढ़ाई ही यूज़ करिएगा, और इसमें एक छोटा चम्मच नमक मिक्स करके हम इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। ये स्लो फ्लेम पर बिना पानी डाले सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही मटर की पूरी पक कर के तैयार है, एक या दो लोगों को सर्व करने के लिए। अब हम इसे परस लेते हैं, और ये गर्मा गर्म मटर की घुंघरी तैयार है। एक कप चाय के साथ आप इसे एंजॉय करिए। चाय के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहिएगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए बनाते हैं विंटर स्पेशल दूसरी रेसिपी। ये 1 किलो सिंघाड़ा है चेस्टनट, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, साफ कर लिया था, और उसके बाद देखिए इतने पानी में जितने में ये डूबा है बस, इसे फुल फ्लेम पर 1 सीटी दी है, और जैसे ही 1 सीटी के बाद गैस बंद करी तुरंत 2 मिनट रुक करके स्टीम निकाल देना है फौरन, और इसको इस तरह की छन्नी से पानी को छान लेना है। हमें ऐसे सिंघाड़े यूज़ करने हैं जो जाते मौसम के सिंघाड़े होते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, बॉयल करने के लिए अच्छे होते हैं। और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद छील लेना है, और इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। सिंघाड़े से विंटर्स में ही आते हैं चेस्टनट, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस रेसिपी एज अ फास्ट रेसिपी, यानी कि डबल फ़ायदा। तो हमारी दूसरी रेसिपी के बाद विंटर स्पेशल तीसरी रेसिपी शुरू करते हैं। ये बथुआ है, इसकी इस तरीके से ये पत्तियाँ तोड़ लेनी हैं, और इसको 4 से 5 बार एकदम साफ पानी से वॉश करना है, अच्छी तरीके से धोना है जिससे मिट्टी वगैरह निकल जाए। और इसके बाद इसको ये लहसुन, हरा लहसुन मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो हो वो यूज़ करिए, ना हो मत करिए, नहीं खाते हैं मत करिए। एक ये हरी मिर्च और ये एक अदरक का टुकड़ा, हमेशा नमक मिर्च और चीनी जैसी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, यानी कि ऑलवेज ऐड सॉल्ट चिलीज शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम इसको एक फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में पीस करके, आपके पास सिल हो तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। ये इस तरीके का ये देखिए पेस्ट बन गया है। ये मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया है, और ये एक चम्मच तेल लिया है मोयन के लिए, और ये थोड़ा सा नमक लिया है, और अब हम इसी प्यूरी की मदद से इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जैसे हम पूरी का डो लगाते हैं उसी तरीके से अच्छे से मसल मसल के। ये डो इस तरह का तैयार हो गया है, ये मैंने इसकी पूड़ियाँ बेल ली हैं। ये भारी तली की कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, और इसमें मैं ये पूड़ी डाल दूंगी। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ करिए। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल की धास पसंद नहीं है तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि पहले इसे फुल फ्लेम पर खौला लें, उसके बाद ठंडा करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल करें। देखिए कितनी अच्छी फूली पूड़ी हमारी तैयार हुई है। सुबह की 1 कप गर्मा गर्म चाय के साथ ये पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं। इतने डो में लगभग 15-20 पूड़ियाँ आसानी से बन जाएंगी। एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। अरिहंत की रसोई की सभी रेसिपीज़ बिगनर्स एंड लर्नर्स के लिए हैं, इजी एंड क्विक रेसिपीज, टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़, तो इसे एंजॉय करिए आप। तब तक हम दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं विंटर स्पेशल में। ये शकरकंद है,
स्वीट पोटैटो, ये आधा केजी है लगभग, और इसे मैंने प्रेशर कुक किया या बॉयल किया है और लगभग 3 सीटी दी हैं मीडियम फ्लेम पर। ये चूंकि दुबली पतली सी हैं तो ये 3 सीटियों में अच्छे से बॉयल हो गई। अगर आप मोटी साइज की शकरकंद यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसे कम से कम 4 से 5 सीटी दीजिएगा, पानी इतना डालिएगा जिसमें शकरकंद अच्छी तरह से डूब जाए। अब हम इसके छिलके इस तरह से उतार लेंगे सारे शकरकंद के। और ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने प्योर घी डाल रखे हैं भारी तली की कढ़ाई में, और इसमें बारीक कटे काजू हैं, बादाम हैं और चिरौंजी। इसे मैं 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर ले रही हूँ। और ये 1 मिनट के लिए ये मेवे हो चुके हैं, भुन चुके हैं। और अब हम इसी कढ़ाई में इसी बचे हुए घी में ये छिले हुए सारे शकरकंद ऐड कर देंगे। एकदम स्लो फ्लेम पर ये सारा काम करना है, ध्यान रखिएगा, चलाते रहिएगा बराबर। और अब हम इसे धीरे धीरे मैश करते हुए चलाते हुए भुनने या पकने देंगे। अब ये स्लो फ्लेम पर लगातार धीरे धीरे चलाते हुए काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है। नाउ वी विल ऐड सम फ्राइड ड्राई फ्रूट्स जो हमने अभी तले थे ना, फ्राई किए थे 1 मिनट के लिए, एंड 1/2 बाउल शुगर। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से पकने देंगे। और जैसे मैंने आपको पिछली रेसिपी में बताया था ना सिंघाड़े वाली में कि उसे हम व्रत में यूज़ कर सकते हैं, तो इस रेसिपी को भी हम व्रत में यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लगे हैं। ये देखिए बन गया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक माय वीडियोस, और अगर सोशल मीडिया पर शेयर कर दें तो आपके ज़रिए कुछ न्यूकमर्स हैं जो कुकिंग में, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं खाने के लिए। लेकिन सर्व करने से पहले मैं इसमें 2 ग्रीन इलायची मिक्स करूँगी, क्रश्ड इलायची है, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पूरे हलवे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। ये गर्मा गर्म शकरकंद का हलवा बनके तैयार है। अब कुछ जो मैंने ये बचा लिए थे नट्स, उसे मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। आप सभी को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में हम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। अब जल्दी ही मैं बहुत जल्दी ही पार्ट 2 के साथ, विंटर स्पेशल पार्ट 2 के साथ आपसे फिर करूंगी मुलाकात। तब तक के लिए हेल्थ इज हैप्पीनेस। नमस्कार।